हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 अकाउंटेंसी, जिसमें हम चैप्टर देख रहे हैं 2.6 कैशबुक। कैशबुक में हम क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे हैं और इसमें भी हमको ट्रिपल कॉलम कैशबुक बनानी है। हमारा जो क्वेश्चन है, प्रिपेयर द थ्री कॉलम कैशबुक ऑफ आशीष ब्रदर्स फ्रॉम द फॉरेन ट्रांजेक्शन 2015 जनवरी 1st, कैश बैलेंस एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। दो चीज दी गई है, कैश बैलेंस है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो जनवरी 1 को कैश बैलेंस हमारे पास है, तो मैंने यहाँ पर टू बैलेंस बीडी लिखा है और इसका अमाउंट ये कॉलम नंबर 3 में लिखा है। ये डिस्काउंट का है, ये कैश का और ये बैंक का है, आपको ध्यान रखना है। तो कैश मैंने 2000 रुपए लिखे। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक को पैसे के भुगतान करना है। तो जनवरी 1 में बाई बैलेंस बीडी करके बैंक के कॉलम में मैंने 1000 रुपए यहाँ पर लिखे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर जनवरी 5 को देखेंगे, डिपॉजिट इनटू बैंक 1500। अब आप देख सकते हैं डिपॉजिट इनटू बैंक ये कॉन्ट्रा एंट्री। मैंने क्या बोला था, ट्रिपल कॉलम कैशबुक में आपको कॉन्ट्रा एंट्री को ढूंढना है। ये कॉन्ट्रा एंट्री, तो जनवरी 5 टू कैश अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसलिए इसका इफेक्ट जो है कैश की जगह कहां पर पड़ेगा, बैंक में। फिर यहां पर मैंने लिखा है जनवरी 5 बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसका इफेक्ट पड़ेगा बैंक के। यहां बैंक लिखा है, इसलिए कहां पर इसका अमाउंट लिखना होगा हमको, कैश के कॉलम में। तो ये जनवरी 5 वाली बात हुई। जनवरी 10 को यहां पर बताया कैश सेल्स 5000 रुपए का, अगर हमने नगद माल को बेचा है तो हमारे पास पैसा आएगा, इसलिए हम लिखेंगे जनवरी 10 टू सेल्स अकाउंट 5000 रुपए कैश हमारे पास यहाँ पर आएंगे। और आगे बात करें तो जनवरी 15 को यहाँ पर बताया कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, हमने यहाँ पर बता रखा है कैश विड्रॉ बैंक से रकम निकाली, हमने बैंक से पैसे को बाहर निकाला है, कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 3 है, इसलिए ये कॉन्ट्रा एंट्री नंबर 3 होने के कारण इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो बैंक अकाउंट सी लिखा है यहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री का और बैंक लिखा है सर इसका अमाउंट गया कैश में, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ पर भी होगी जनवरी 15 बाय कैश अकाउंट, और कैश लिखा है तो इसकी एंट्री कहाँ पर जाएगी, बैंक के कॉलम में। तो कॉन्ट्रा एंट्री का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद एक लास्ट में बता रखा जनवरी 20 को पेड सैलरी 3000, हमने सैलरी का भुगतान किया है, पेमेंट किया है, इसका हिस्सा लिखेंगे हम जनवरी 30 बाय सैलरी अकाउंट और कैश के कॉलम में हमने लिखा है 300 रुपीज। इस प्रकार से यहाँ डिस्काउंट में कोई भी अमाउंट नहीं है, इसलिए मैंने इसको डैश किया है। कैश में अगर हम जोड़े तो 2000 और 5 7000 7300 है, और यहाँ पर बैंक के कॉलम में कितना लिखा हुआ है 1500 रुपए। यहाँ का जोड़ ज्यादा हो रहा है, यहाँ का जोड़ कम हो रहा है, इसलिए आंसर हमारा यहाँ निकला है। जब भी हम आंसर निकालेंगे तो जिस मंथ में हम काम कर रहे हैं उसके लास्ट तारीख को हम देखते हैं, तो जनवरी 31 को हम इसका आंसर निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी में। तो कैश का जोड़ यहाँ पर 7300 हो रहा है, और 7300 में से ये कैश के मैंने यहाँ पे 1500 लिखे है प्लस 300, 1500 और 300 1800 रुपए को इसमें से लेस करेंगे तो हमारा आंसर कैश में कितना आएगा 5500 रुपए। एक इसी प्रकार से डेबिट में बैंक का जोड़ हो रहा है 1500 रुपए, इसमें से हम 300 रुपए को माइनस करेंगे और एक 300 और 1000 और 300 मतलब 1300 रुपए को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 200 रुपए। अब ये जनवरी 31 को बाय बैलेंस शीट हुआ है, इसको हम आगे रखेंगे तो फरवरी 1 को लिखेंगे टू बैलेंस बीडी डिस्काउंट में, चूंकि वहां पे कुछ भी आंसर नहीं है इसने डैश किया है, कैश में 5500 लिखा है और बैंक में कितना लिखा हमने 2000 रुपए का अमाउंट लिखा है। तो ये इस प्रकार से ट्रिपल कॉलम कैशबुक हमारा कंप्लीट होता है, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इनकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। और ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।